Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं हूँ हिल रोड पर 3 months and I still haven't been to हिल रोड. तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शॉपिंग करते हैं बांद्रा आके एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहले हमने सोचा कि पहले गोलगप्पे खा लेते हैं. आई ऑब्वियसली आई एम नॉट ईटिंग, दिल्ली वाली बात नहीं है. सो ये लोग जैसे खाते हैं उसके बाद में आई एम गोना शो यू. इसको मुंबई की सरोजनी कहा जाता है हिल रोड को. तो काफ़ी सस्ते में आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है. सो जस्ट लुक एट दैट कलेक्शन. सो आप सबको पता है कि मैं मुंबई से वापस आ चुकी हूँ और ये पुरानी वीडियो है. सो थोड़ा सा प्राइस में शायद डिफरेंस हो चुका होगा, बट फिर भी सरोजनी जैसी तो नहीं है ये मार्केट. एनीवे दिस इज़ द फर्स्ट शॉप जिसमें हम सबसे पहले गए थे और इसमें कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था, बट मुझे हर चीज़ बहुत महंगी लग रही थी, पता नहीं क्यों. एंड सारी की सारी ड्रेसेस जो थी, एक तो उनमें बहुत सारे पीसेज अवेलेबल थे, तो मुझे जब भी बहुत सारी मतलब सेम ही डिज़ाइन बहुत सारा दिख जाता है ना, तो मैं उस चीज़ को कम पिक करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि यार हर लड़की वही पहन के घूम रही होगी. एंड दूसरी चीज़, हर चीज़ 400 रुपये से ऊपर की बोल रहा था शॉपकीपर. तो और मेरी बार्गेनिंग स्किल्स आर ज़ीरो. मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कोई 200 रुपये बोलेगा तो मैं उसे 250 पकड़ा के आ सकती हूँ, बट 150 मुझसे नहीं होगा. सो इसीलिए मुझे तो 400 रुपये सुन के ऐसा लग रहा था कि नहीं यार 400 रुपये 500 रुपये, और जो मुझे अच्छी लग रही थी वो तो 800 रुपये की ड्रेसेस थी. सो इतने में तो मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी, इतना क्यों मैं पसीना बहाऊँ मुंबई की गलियों में. सो इसीलिए मैंने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया, बट यहाँ पर वाइट ड्रेसेस बहुत अच्छी थी. एंड अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई वाइट ड्रेस, कॉटन की वाइट ड्रेसेस, देन यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट स्टोर. यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी. फिर हम गए ये एक दूसरी शॉप में, इसका नाम था यस मैडम. स्पेलिंग मुझे नहीं समझ में आ रही है ऐसे क्यों लिखी थी, बट यस मैडम वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज़. सो यहाँ पे से हमने काफ़ी चीज़ें ली थी, मैंने नहीं ली थी, मुझे यहाँ पर भी, यहाँ तो बहुत ही महंगी थी एक्चुअली में सारी चीज़ें स्टोर के अंदर. एंड कलेक्शन यहाँ पे ऐसा था जैसे ये टॉप है ना, तो ऐसा अंदर बहुत सारा कलेक्शन था. सो आप जाके देख सकते हैं. एंड ये जो जीन्स थी दे वर स्टार्टिंग फ्रॉम 800 रुपीज़. तो जीन्स मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ पे कार्गो पैंट्स थी, बट मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था वहाँ पे. मुझे काफ़ी ये सारी की सारी लूज़ आ रही थी, सो इसीलिए आई कुडंट बाय देम. आज की डेट में वही आपको पैंट्स वाइड लेग H&M में भी 1200 रुपये की मिल रही हैं. सो लोकल मार्केट से 1200 रुपये की पैंट लेना तो आई डोंट थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन. एनी वेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप. सो हम यहाँ पर आए, एक बहुत बड़ा सा स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे, एंड ये बहुत बड़ा सा शोरूम भी था. हम शोरूम के अंदर तो नहीं गए थे, हम बाहर से खरीद रहे थे. तो हम लोग बेल्ट्स और फुटवेयर यहाँ से हमने देखा, तो फुटवेयर का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था. फुटवेयर की रेंज थी 200-250 से स्टार्टिंग थी और उससे ऊपर ही थे सारे के सारे. एंड जो बेल्ट थी, बेल्ट भी ऐसे थी आई गेस 100-200-250 और फिर उससे ऊपर ऊपर बेल्ट थी सारी के सारी. सो इनका प्राइस तो ठीक था, आप इनको डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं. मैंने यहीं पर मार्केट से एक शॉर्ट्स ली थी जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में दिखा दूंगी. और फिर थोड़ी सी शाम हो गई थी और हम लोग गए एक दूसरी जगह पे जहाँ पर एक अंदर गली थी और उस गली में भी काफ़ी सारी शॉप्स थी. तो उस गली में मेरे को ना एक शॉप मिली जहाँ पे बॉटम वेयर और ये सब फॉर्मल जो होते हैं ना, जैकेट्स वगैरह, फॉर्मल पैंट्स, ये सब बहुत थी, बट मेरा साइज़ वहाँ पर भी नहीं था. तो वहाँ पर साइज़ यूजली 30 से ऊपर ही थे. फिर भी मैंने वहाँ से एक ट्राउज़र लिया है, थोड़ा सा मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा, बट द कलर इज़ रियली प्रिटी. सो संडे का दिन था और बहुत गंदा ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो रखा था. हम लोग को कैब भी नहीं मिल रही थी और भूख लगी थी, तो हमने जल्दी से खाना खाया. ये भी आई गेस था यस या यास जो भी है, तो उन्हीं का आई गेस ये फूड आउटलेट भी था. उसके बाद में हम लोगों को बहुत मुश्किल से अपनी कैब मिली और हम लोग अब जा रहे हैं मरीन ड्राइव. तो संडे के दिन पे हर जगह ट्रैफिक के बीच में पता नहीं हम लोग क्यों निकले, अब बहुत ट्रैफिक मिला था. एंड बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी, दैट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम टू सीलिंग. ऑनेस्टली अब मैं क्योंकि पम्बन भी जा चुकी हूँ ना, तो फिर पम्बन के कंपैरिजन में तो मुझे ये इतना बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा. ऑब्वियसली व्यू बहुत प्यारा आता है वहाँ से, आपकी जो ये पूरी कोस्ट लाइन दिखती है, ये मुंबई, आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं उसको, तो वो बहुत अच्छा व्यू दिखता है. तो हम लोग बड़ी मुश्किल से बहुत ट्रैफिक करके उसके बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली मरीन ड्राइव. एंड इट वाज सुपर क्राउडेड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मरीन ड्राइव पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है.
बट वही है कि यार वीकेंड है तो वीकेंड पे तो होगा ही, एंड कोई भी नया बंदा आता है ना और वो वीकेंड में मरीन ड्राइव जाए ना, तो फिर वो वाला आपका एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाती जो आप सोच के चलते हो ना दूसरे शहर से जब आप आते हो. सो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मुंबई आऊँगी तो मैं मॉर्निंग में मरीन ड्राइव जाऊँगी कभी, ताकि मुझे खाली दिखे. बट एनी वे हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, चाय वाले आते रहते हैं, और ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाया यहाँ पर हमने, एंड उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ. गाइज़ आई रीच्ड होम एंड आई एम सुपर टायर्ड, और मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग की नहीं इससे हिल रोड से, एंड एक्चुअली मैं हिल रोड में ज़्यादा कुछ शॉपिंग करने के लिए था नहीं. द मार्केट इज़ टू एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ऐसे मतलब सामान तो सारा का सारा स्ट्रीट शॉपिंग ही है, बट स्ट्रीट शॉपिंग के अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस नहीं है. बिकॉज़ अगर आप कंपेयर करो सरोजनी से, तो सरोजनी में जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती है वहाँ पर 350-400 रुपये की है. द सेम क्रॉप टॉप्स जो सरोजनी में 100 रुपये के मिलते हैं हर जगह, तो यू डोंट इवन नीड टू बार्गेन फॉर देम, और यहाँ पे आपको 350-400 रुपये के वही टॉप मिल रहे हैं, उस पर आपको बार्गेन भी करना है. एंड इट वॉज टू क्राउडेड, सेम सब कुछ, मतलब सारा का सारा कलेक्शन सेम है, एंड मतलब मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं पसंद आया. तो मैं बॉटम वेयर देखने के लिए गई थी, बट बॉटम वेयर में भी माई साइज़ वॉज नॉट अवेलेबल इतना. तो दो ही चीज़ें मैंने ली हैं, वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लिए हैं. सो सबसे पहले आई गॉट दीज शॉर्ट्स, ये थे फॉर 250 रुपीज़, मैंने एक स्टॉल से लिए थे ये, एंड ये ना काफ़ी लंबे थे यार, पता नहीं मैंने क्यों ले लिए थे, पहन के बहुत गंदे लग रहे थे ये, आई डोंट हैव अ क्लिप जैसे ये लग रहे थे वैसे, एंड बहुत छोटा साइज़ ले लिया मैंने यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये क्या साइज़ मैंने उठाया, बट मुझे लगा बिकॉज चेंज भी नहीं कर सकती थी ना ऐसे बाहर मार्केट में, सो मुझे लगा मुझे आ जाएगा, जब मैंने पहन के देखा तो इट वॉज वेरी टाइट ऑन मी, एंड बहुत लंबा भी था, ऐसे बॉक्सर शॉर्ट्स की तरह आ रहा था. सो मैंने ना नीचे से इनको काट दिया, उसके बाद में अब ये फिर भी थोड़े से ठीक लग रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा पतला होना पड़ेगा इनमें फिट होने के लिए. दूसरी चीज़ मैंने लिए हैं ये ग्रीन ट्राउज़र, थोड़ा सा फॉर्मल है, कैजुअल भी हो सकता है आप क्रॉप टॉप के साथ में पहनोगे तो. कलर इसका थोड़ा सा डार्क है, जैसा ये कैमरा में दिख रहा है ना उससे थोड़ा सा ग्रीन कलर है, बट इट इज़ रियली गुड, इसका फैब्रिक भी अच्छा है. ये मुझे थोड़ा सा लूज़ है, इट्स द वेस्ट इज़ मोर देन 28, बट एक ऑल्ट्रेशन एंड इट इज़ गोना बी परफेक्ट. सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. आई नो बहुत पुरानी वीडियो हो गई है, मेरे को मुंबई से बहुत टाइम हो गया है, बट ये मेरे ड्राफ्ट्स में पड़ी हुई थी, सो आई थॉट पोस्ट कर ही देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ. सो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय.